गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 16, आसमान गिरा। तो ये पाठ पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है कि निडर बनने की आपको प्रेरणा देना और दूसरों को किसी अनिष्ट की जानकारी देने की प्रेरणा देना। तो आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। क्या है इसमें? एक समय की बात है, एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। तो ये आपकी स्टोरी किस समय की है? जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ती है, तो ये उस समय की कहानी है। तो सोते सोते खरगोश को धम्म की आवाज़ आई। उस आवाज़ से खरगोश जाग गया और बोला, अरे क्या गिर गया? खरगोश ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया। देखिए इस डायग्राम में ये खरगोश बना हुआ है और इसके पीछे यहाँ पे कुछ धम्म से गिर गया है। तो वो क्या कर रहा है? इधर उधर देख रहा है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। खरगोश ने सोचा कि शायद आसमान गिर रहा है। वह डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे रास्ते में एक चूहा मिला। नेक्स्ट पेज देखिए। चूहे ने कहा, खरगोश भाई इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? रुको हमारी भी बात सुनो। खरगोश बोला, भैया आसमान गिर रहा है, तुम उसके नीचे दब जाओगे, मेरे साथ भागो तो शायद बच जाओ। चूहे जी भी साथ हो लिए। आगे चले तो उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, अरे आप लोग क्यों भागे जा रहे हैं? दोनों ने भागते हुए बताया, आसमान गिर रहा है, जल्दी भागो। भालू जी भी साथ हो लिए। भागते भागते तीनों को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, आप लोग क्यों भाग रहे हैं? तीनों बोले, आसमान गिर रहा है, अगर तुम्हें बचना है तो हमारे साथ भागो। लोमड़ी भी उसके साथ हो ली। खरगोश चूहा भालू और लोमड़ी भागते भागते एक हाथी के पास से गुजरे। हाथी बोला, अरे सब लोग क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो कुछ बताओ तो सही। लोमड़ी ने कहा, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर हाथी जी भी भागने लगे। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे चूहा, फिर भालू, लोमड़ी और हाथी। वे सब भागे जा रहे थे तभी उन्हें एक शेर मिला। शेर ने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो शेर गरज कर बोला, रुको कहाँ गिर रहा है आसमान? यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, लोमड़ी ने कहा था। लोमड़ी बोली, मुझसे तो भालू ने कहा था। भालू बोला, मुझसे चूहे ने कहा था। चूहा बोला, मुझसे तो खरगोश ने कहा था। शेर ने पूछा, कहो खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश बोला, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तभी धम्म से गिरा आसमान। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। वे सब पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा कटहल पड़ा था। तभी वैसे ही एक कटहल धम से गिरा। खरगोश चौंक गया, शेर गरजा, तो यही था तुम्हारा आसमान? लो फिर आसमान गिरा, भागो। यह सुनकर सब क्या करने लगे? हंसने लगे। तो आइए आपकी वर्ड मीनिंग देखिए। धम मीन्स क्या होता है? आपकी तेज आवाज़ को हम क्या कहते हैं? धम कहते हैं। और गरजना मीन्स क्या होता है? दहाड़ना। फिर नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एक खरगोश सो रहा था। खरगोश कहाँ सो रहा था बताइए? बिल में, कि पेड़ पर, कि पेड़ के नीचे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, पेड़ के नीचे। फिर सेकंड देखिए, खरगोश ने सोचा कि आसमान गिर रहा है कि फट रहा है कि आ रहा? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गिर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ गाओ खेलो कि भागो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, मेरे साथ भागो।
फिर देखिए क्या करना हमें, सही गलत पे सही का और कथन गलत पे हमें गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, बहुत सर्दी पड़ रही थी, ये आपका क्या है, गलत है। फिर सेकंड नंबर देखिए, धमकी आवाज़ से खरगोश जाग गया, ये आपका सही है। भागते भागते खरगोश को सबसे पहले हिरन मिला, ये भी आपका क्या है, गलत है। तुम आसमान के नीचे दब जाओगे, तो ये आपका क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, खरगोश ने कैसे अंदाजा लगाया कि आसमान गिर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि खरगोश ने अंदाज़ा लगाया, मतलब कि क्या सुन के उसने अंदाज़ा लगाया था, तो धमकी आवाज़ सुनकर। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन से लिख लीजिएगा, खरगोश ने अंदाज़ा लगाया कि आसमान गिर रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, खरगोश के पीछे कौन कौन भागे थे, नाम लिखना है। तो खरगोश के पीछे चूहा, भालू, लोमड़ी और हाथी भागे थे। शेर ने सभी से क्या पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शेर ने सभी से पूछा कि आसमान कहाँ गिरा है। फिर नेक्स्ट देखिए, पेड़ के नीचे पहुंचकर सभी ने क्या देखा, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा थोड़ा क्वेश्चन से कि पेड़ के नीचे पहुंचकर सभी ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा कटहल पड़ा है। फिर नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात में देखिए, हम कुछ शब्दों को गलत बोलते हैं, इसी कारण से वे शब्द गलत लिखे भी जाते हैं। देखिए जब हम कोई चीज़ गलत बोलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, गलत ही लिखेंगे। तो हमें शब्दों के उच्चारण तथा लिखने पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, ये गलत, इसे हमें क्या करना है, सही करना है। तो देखिए यहाँ पे खरगेश लिखा है, तो इसका सही क्या होगा, खरगोश होगा। धमम का क्या होगा, आपका धम हो जाएगा। और अधिक का इसमें बड़ी धी है, तो इसमें क्या हो जाएगी, आपकी छोटी धी हो जाएगी, अधिक हो जाएगा। और लोमड़ी में इसे छोटी की मात्रा इसमें नहीं चढ़ाएंगे, इसमें बड़ी ए की मात्रा, देखिए लोमड़ी इस तरह लिखी जाती है। और आसमान में क्या होता है, बड़ा आ होता है। और भालू में छोटा ऊ की मात्रा नहीं, बड़ा ऊ की मात्रा, ये भालू हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए आपके होमवर्क के लिए इसमें क्या दिया गया है, कि पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर से जंगली जानवरों के चित्र काटकर आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में चिपकाना है और उसके नाम लिखना है। तो ये आपकी बुक है, इसका आप लोग क्या देखेंगे, ये लास्ट पेज देखिए, यहाँ पे जंगली जानवर देखिए बना है, लॉयन यानी शेर बना है, बियर मीन्स भालू और टाइगर बना है। तो इसे आप क्या करेंगे, सीजर्स यानी कैंची से काट कर अपने यहाँ पे चिपका कर उनका नाम लिखना है। और आपका पाठ ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।